फोर्ब्स ने 2017 के लिए एशिया में 30 साल से कम उम्र के सुपर अचीवर्स की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत की 53 शख्सियतों को जगह मिली है। इसमें प्रमुख रूप से एक त्रेसालिया भट्ट, जिमनास्ट दीपा कर्माकर और ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को शामिल किया गया है। न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक फोर्ब्स ने दूसरी बार 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट जारी की है। इसमें चीन के 76 लोगों को जगह मिली है। दूसरे नंबर पर भारत है, उसके 53 लोग सुपर अचीवर्स में शामिल हैं। फोर्ब्स ने 10 कैटेगरी में 30 से 30 शख्सियतों की लिस्ट बनाई है, यानी लिस्ट में एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, रिटेल, वेंचर कैपिटल, सोशल एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से 300 लोग शामिल किए हैं। इसी साल जनवरी में भी फोर्ब्स ने दुनिया में बदलाव लाने वाले 30 साल से कम उम्र वाले 600 लोगों की लिस्ट जारी की थी। इसमें 30 भारतवंशी थे। भारत की ओर से लिस्ट में दीपा सबसे ऊपर हैं। वे ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला जिमनास्ट हैं। साथ ही वे पिछले 52 सालों में ओलंपिक में कॉम्पीट करने वाली पहली भारतीय जिमनास्ट भी बनी थी। फोर्ब्स ने कहा, भले ही उन्होंने मेडल नहीं जीता लेकिन शानदार तरीके से चौथा स्थान हासिल किया। वे महज 0.15 पॉइंट से ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूगी। उन्होंने फाइनल में प्रुडनोवा वॉल्ट किया, जिसे अब तक केवल 5 जिमनास्ट ही करने में कामयाब रहे हैं। साक्षी ने पिछले साल हुए रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऐसा करने वाली वे पहली भारतीय महिला रेसलर बनी। बोला को मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी कैटेगरी में जगह मिली है। फोर्ब्स ने क्या कहा, वे बोलांट इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं। एक किसान के घर जन्मे बोला जन्म से ब्लाइंड हैं। बोला मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पहले ब्लाइंड स्टूडेंट बने। यहाँ से पढ़ने के बाद वे भारत लौटे और हैदराबाद में कंपनी बनाई। उनकी कंपनी दिव्यांगों को इको फ्रेंडली इक्विपमेंट बनाने की ट्रेनिंग देती है। आलिया ज्यादा कमाई करने वाली 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। फोर्ब्स ने कहा, आलिया की 6 फिल्मों ने रिलीज के शुरुआती हफ्ते में दुनिया में $15 मिलियन की कमाई की। आप यह वीडियो देख रहे हैं स्टडी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप सभी के सुझावों से हम लगातार सुधार कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सभी नए वीडियो की जानकारी आपके ईमेल पर भेज दी जाएगी।